वेलकम टू ब्रीफ लर्निंग विद रमन इन टूडेज लेक्चर विल रिवाइज ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड इस लेक्चर में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ब्रीफली कवर करेंगे सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टड फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग को हम कितने वेज में डिवाइड कर सकते हैं मतलब टीचिंग की क्या डेफिनेशन हो सकती है तो हम सबको पता है कि टीचिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टूडेंट्स को या किसी भी पार्टिसिपेंट्स को नई नई चीज़ें सिखाते हैं तो ये बहुत ही प्रोडक्टिव वे है किसी को सिखाने का कुछ टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू प्रोड्यूसर रिलेटिवली परमानेंट चेंज थ्रू एंगेजमेंट इन एक्सपीरियंस प्रोवाइड बाई टीचर तो टीचिंग प्रोसेस में किसी के बिहेवियर में चेंजेस लाए जाते हैं और पॉजिटिव चेंजेस ये होते हैं और ये किसी को स्किल्स सिखाने का ही तरीका है टीचिंग अ प्लैंड एक्टिविटी एक प्लान एक्टिविटी होती है और इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है वो टीचिंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है टीचिंग और इफ़ेक्टिव टीचिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं और इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हाउ क्लियरली द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न जो एक्सपेक्ट करते हैं हम कि स्टूडेंट लर्न करे, वो कितने अच्छे तरीके से स्टूडेंट को समझ में आया है तो अफेक्टिव टीचिंग को अफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे जो पॉइंट है वो ध्यान में रखने पड़ते हैं तो वन बाय वन हम सब कवर करेंगे नेक्स्ट है बेसिक टीचिंग मॉडल टीचिंग के बेसिक मॉडल्स क्या हैं एक तो है पैडागॉजी मॉडल पैडागोजी जिसमें रूट लर्निंग जो है रोट लर्निंग सिखाई जाती है बच्चों को इट इज़ ए कन्वेंशनल अप्रोच ये ट्रेडिशनल अप्रोच है पुराना तरीका है पढ़ाने का इसमें जो है ये इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड होती है पहली बात तो जो इंस्ट्रक्टर होता है या टीचर होता है वो सारा मटेरियल या फिर जो भी पढ़ाना है जो भी बच्चों को कितनी छूट देनी है वो सब कुछ टीचर के कंट्रोल में होता है और बच्चों ने सिर्फ सुनना होता है और सीखना होता है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड होती है और इसको पेडागॉजिकल अप्रोच भी कहते हैं इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर फॉर ऑल लर्निंग सारी लर्निंग जो है इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड होती है टीचर पे डिपेंड होती है और टीचर ही इवेलुएट करता है नेक्स्ट है सेकेंड एंड्रागोजिकल मॉडल तो एंड्रागोजिकल मॉडल में ये लर्नर सेंटर होती है इसमें शिफ्ट हो जाता है टीचर सेंट्रिक से ये लर्नर सेंट्रिक हो जाती है ये इसमें जो लर्नर है वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और अपने लर्निंग के लिए खुद वो समझदार इतने हो जाते हैं कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्होंने खुद सेल्फ़ स्टडी करने वाले लेवल पे वो पहुंच जाते हैं एंड्रोलॉजिकल में इन दिस प्रोसेस द इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ द पार्टिसिपेंट जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सिर्फ़ फैसिलिटेट करता है उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है उसको वो इन्वायरमेंट देता है लेकिन सीखना लर्नर ने खुद होता है अपनी जो नॉलेज है एड वो लर्नर ने खुद करनी होती है स्किल्स खुद सीखनी होती है इसमें वो इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड नहीं होता सेल्फ़ एवेल्यूएशन सेल्फ एवेल्युशन भी करता है वो अपना एंड्राकॉजिकल अप्रोच इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाई एज़ अडल्ट लर्निंग इसको अडल्ट लर्निंग भी कहते हैं तो हम मेजर शिफ्ट देख लेते हैं पैडागॉजी में क्या था और पैडागॉजी में क्या होता है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है एंड्रागोजी में फ्रॉम टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर्ड पैडागलॉजी होती है टीचर सेंटर्ड एंड्रागोजी में कहाँ पे पहुँच जाते हैं लर्नर सेंटर्ड पे फ्रॉम फिक्स्ड डिज़ाइन टू फ्लेक्सिबल प्रोसेस पैडागॉजी में फिक्स्ड होता है सारा कुछ टीचर ने करवाना होता है और ये रिजिड होता है इसमें कोई फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती लेकिन एंड्रोलॉजी में फ्लेक्सिबल होता है जो स्टूडेंट्स है वो अपनी तरफ से क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं फ्रॉम टीचर्स डायरेक्शन टू लर्नर्स ऑटोनॉमी टीचर की डायरेक्शन होती है पैडागोजी में सब कुछ टीचर डायरेक्ट करता है और लर्नर जो है एंड्रोलॉजी में ऑटोनॉमी एक्वायर कर लेता है मतलब वो अपनी मर्जी से चीज़ें समझने लगता है फ्रॉम पैसिव रिसेप्शन टू इन लर्निंग टू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग जो पैडागॉजी है उसमें सिर्फ जो लर्नर है वो पैसिव लिसनर है उसमें सिर्फ सुनता है लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन कहाँ पे होती है एंड्रोगॉजी में फ्रॉम लर्निंग विद इन द क्लासरूम टू लर्निंग इन द वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट जो पैडागोजी है उसमें लर्निंग सिर्फ क्लासरूम की चार दीवारों में ही होती है लेकिन एंड्रोलॉजी में जो है पूरा जो सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है सारा हर एक चीज़ से लर्नर सीखता है कुछ ना कुछ जो टीचर टीचिंग का नेचर और करैक्टरस्टिक्स देख लेते हैं तो टीचिंग की बहुत सारी करैक्टरस्टिक्स हैं उनमें से कुछ एक जैसे गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनिंग के लिए इंट्रैक्शन के लिए ये एक आर्ट है नॉलेज देने का साइंस टू एडोकेट फैक्ट्स एंड कॉजेज कंटिन्यूस प्रोसेस है ये इनक्रेज करता है स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने के लिए ये फॉर्मल भी होती है इनफॉर्मल भी होती है क्योंकि बच्चा घर से भी सीखता है और स्कूल में भी सीखता है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्किल्स सिखाई जाती हैं सो so, ये सारी कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं टीचिंग की उसके बाद लेवल्स तो देख लेते हैं टीचिंग के टीचिंग के बेसिकली तीन लेवल्स हैं मेमरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल, लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल एम एल टी यू एल टी और आर एल टी तो मेमरी लेवल जो है ये बेसिक है बेसिक लेवल है बेस है टीचिंग का जहाँ पे ये जो मॉडल है ये हर्बर्ट ने दिया है तो ये आपने याद रखना है इससे क्वेश्चन आ सकता है कि इसका प्रोपोनेंट कौन है तो हर्बर्ट ने ये मॉडल दिया है टीचिंग का इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग ये टीचिंग की इनिशियल स्टेज है मतलब पहला पढ़ाव यही है तो जहाँ पे जो है रोट लर्निंग होती है इट हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन होती है फैक्ट यहाँ पे सिर्फ याद करने होते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है यो, वो बच्चे ने यहाँ पे सिर्फ याद रखनी होती है इसमें खुद का दिमाग नहीं लगाना होता तो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बिल्कुल बेसिक और इनिशियल लेवल है द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है जो इवेलएशन सिस्टम में औरल रिटर्न और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होते हैं और लर्नर को ये इनेबल करता है कि वो जो याद रख सके जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है वो उसको याद रखे और जब भी उससे पूछा जाए तो वो वापस रिस्पॉन्स करे रिप्रोड्यूस करे वो जो उसने नॉलेज गेन की है उसको तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ जो टीचिंग है वो नेक्स्ट स्टेज है मैं सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जैसे कि इसके नाम से सजेस्ट होता है मेमोरी में सिर्फ याद रखना होता है अंडरस्टैंडिंग में चीज़ों को समझना होता है इसके मेन प्रोपोनेंट है मॉरिसन जो हर्बर्ट ने दिया था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और मोरीसन ने दिया है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग तो इट इज़ मेमोरी प्लस इनसाइट इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के तो फीचर होते ही होते हैं साथ में इनसाइट मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना भी इसमें शामिल है ये गोज़ बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट सिर्फ मेमोराइज नहीं करने होते फैक्ट इसमें इसमें चीज़ों को समझना भी होता है इसमें सब्जेक्ट की मास्टरी इंक्लूड करती है उस पर फोकस किया जाता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरचुनिटीज़ दी जाती हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो अपना इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है वो डेवलप कर सकें इसमें जो पीपल और टीचर टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही एक्टिव रोल होता है टीचर फैसिलिटेट करता है और लर्नर सीखता है अपने आप एवेलुएशन सिस्टम में बेसिकली ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और इट मेक्स इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स तो इसमें जो पीपल है वो फैक्ट्स को प्रिंसिपल्स को जनरलाइज करने के काबिल हो जाता है नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आर ये हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का पहली बात तो जो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों की क्वालिटीज़ इसमें होती हैं इसके मेन प्रोपोनेंट है हंट तो तीनों के जो मेन प्रोपोनेंट हमने याद रखने हैं पहले मेमोरी लेवल के हैं हर्बर्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल के मोरीसन और रिफ्लेक्टिव लेवल के हैं हंट तो मेन प्रोपोनेंट है हंट और ये हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का इसमें दोनों यू और एम आ जाते हैं इसका मेन एम है रिफ्लेक्टिव पावर को डेवलप करना ताकि जो भी है बच्चे अब क्रिएटिव माइंड अपनी तरफ से कुछ भी जो भी उनको पढ़ाया गया जो भी उन्होंने सीखा है अब रिफ्लेक्ट करने का टाइम आ गया है तो वो जो है अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं अब उन उनको स्टूडेंट्स को रीजनिंग और लॉजिक की समझ आ जाती है रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुँच कर इट इज़ ए प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग इसमें ये प्रॉब्लम सेंट्रिक है इस पर बच्चों को प्रॉब्लम दी जाती है और वो खुद इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं उससे द स्टूडेंट्स आर रज्यूम्ड टू अडॉप्ट सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए रिसर्च की अप्रोचेज यूज करते हैं जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो ओपन और इंडिपेंडेंट होता है लर्नर्स अपने आप सीखते हैं और इसमें इवेलुएशन के लिए ऐसे टाइप टेस्ट होता है एटीट्यूड बिलीफ एंड इन्वॉलमेंट वो भी इवेलुएट किए जाते हैं नेक्स्ट टर्म है इंडोक्ट्रिनेशन तो इंडोक्ट्रिनेशन एक टर्म है जिसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए सिंपल एजुकेशन और इंडाक्ट्रिनेशन indo में क्या फ़र्क होता है इंडक्ट्रीशन होती है किसी को एक टॉपिक पे बारे में वन साइड नॉलेज देना ले, उसको पूरे एलिमेंट नहीं बताना लेकिन वन साइड नॉलेज दे आप ब्रेन वॉश करना भी बोल सकते हो टीचिंग कैन बी डन विदाउट इंडॉक्ट्रिनेशन इंडाक्ट्रिनेशन के बिना टीचिंग तो हो सकती है लेकिन नो इंडॉक्ट्रिनेशन इज पॉसिबल विदाउट टीचिंग क्योंकि इंडाक्ट्रिनेशन भी तो सिखाई जाती है ये भी तो टीच ही की जाती है तो ये इसमें डिफरेंस देख लेते हैं एजुकेशन तो सिंपल नॉलेज एक्वायर करने का तरीका है लेकिन इंडॉक्ट्रिनेशन क्या है किसी को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताना और इसको हम प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं उसके सिर्फ एक साइड के पॉइंट बता के उसका ब्रेन वॉश कर देना जैसे आप रिलीजन जो रिलीजियस टीचिंग के बारे में आप कह सकते हो कि रिलीजियस टीचिंग सिर्फ एक रिलीजन के बारे में जिसमें पेज किया जाता है तो सिर्फ उसके बेनिफिट benefit, बेनिफिट्स बताना तो उसको बोलेंगे हम इंडोक्ट्रिनेशन नेक्स्ट है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग टीचिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो टीचिंग है वो सिंपल से शुरू होती है और कम्प्लेक्स की तरफ जाती है मतलब आसान से शुरू करते हैं हम और मुश्किल की तरफ जाते हैं नोन टू अन नोन जो हमें पहले से आता है वहाँ से शुरू करते हैं और अन नोन की तरफ जाते हैं सीन से ले अन सीन की तरफ जाते हैं कंक्रीट से एबस्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं कंक्रीट मतलब जो विजिबल चीज़ें हैं किसी को पे जैसे बच्चे किसी चीज़ को देख के सीखते हैं फिर बाद में एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना मतलब उस चीज़ को देख के एक आइडिया या कंसेप्ट बना लेना पर्टिकुलर एक चीज़ से जनरल की तरफ जाना होल से होल टू पार्ट इसको गेस्टार्ट साइकोलॉजी भी बोलते हैं होल्स होल मतलब पूरा सारा जैसे हमारी बॉडी है पहले बॉडी के बारे में बताना फिर बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना तो होल से पार्ट की तरफ जाना फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट इनडेफिनेट चीज़ों से डेफिनेट की तरफ जाना साइकोलॉजिकल से लॉजिकल की तरफ जाना एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ जाना एना एनालिसिस मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को उसका ब्रेक डाउन करना मतलब उसको टुकड़ों में डिवाइड करके वन बाय वन समझाना ताकि इफेक्टिव तरीके से बच्चों को स्टूडेंट्स को समझ आ जाए तो एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ जाना नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग तो आगे इसके कुछ और प्रिंसिपल्स भी हैं जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन बच्चों को मोटिवेट करना ताकि वो नई नई चीज़ें करें इंटरेस्ट लें स्टडी में प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ जो भी उनको समझाना है उसको लाइफ के रियल एग्जांपल से लिंक करके समझाना प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग सारा जो भी पढ़ाना है बच्चों को पहले प्लान करना उसको फिर पढ़ाना प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट रिकग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस जैसे क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं तो स्टूडेंट्स होते हैं उनके हिसाब से जो प्लान करना ताकि इंटेलिजेंट बच्चे को भी समझ आए और जो एवरेज बच्चा है उसको भी ये समझ में आए डिवीजन सारा डिवाइड करना सिलेबस उसके हिसाब से रिवीजन करवाना और डेमोक्रेटिक डीलिंग का भी प्रिंसिपल अप्लाई होता है और साथ में रिक्रिएशन का भी नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग तो माइक्रो टीचिंग भी एक टर्म है जो एक टीचिंग का मेथड बिल्कुल नहीं है ऐसे कई बार कंफ्यूजन होती है कि बच्चों को लगता है कि ये माइक्रो टीचिंग टीचिंग का मेथड है लेकिन नहीं ये क्या है टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स टीचिंग स्किल्स सीखने के लिए ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जिसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग तो ये आपने याद रखनी है नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनको बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो ब्लूम ने टेक्सनों दी है हम उनको रीड करते हैं ब्लूम ने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया है कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर इसको कहते हैं ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव तो जो ब्लूम ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर फर्स्ट है कोग्नेटिव डोमेन इसमें इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट होता है ये ऑब्जेक्टिव इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट करना थिंकिंग पावर का नॉलेज का डेवलपमेंट करना तो ये कोर लर्निंग डोमेन है द अदर डोमेन्स रिक्वायर एट लीस्ट सम कोग्निटिव कॉम्पोनेंट्स तो जो दूसरे डोमेन है अफेक्टिव और साइकोमोटर उनमें दोनों में ही कोग्नेटिव डोमेन होना चाहिए तो इसके कॉग्नेटिव डिमे डोमेन के आगे सिक्स लेवल्स दिए गए हैं जैसे कि नॉलेज फर्स्ट लेवल है नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन उस नॉलेज को अप्लाई करना नेक्स्ट है एनालिसिस उस नॉलेज को उसका एनालाइज करना उसको ब्रेक डाउन करके पार्ट्स में डिवाइड करके उसको अच्छे से समझना फिर सिंथेसाइज करना उसी से एक कंसेप्ट बना लेना और बाद में उसका इवेल्युएशन तो ये सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज आपने याद रखने एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं इनका सीक्वेंस और ये लो से हाई की तरफ जाते हैं मतलब जो फर्स्ट है वो लोअर है फिर उसके बाद इनका लेवल हाई होता जाता है और एंड पे हाईएस्ट लेवल है ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस और इवेलुएशन ये कोग्नेटिव डोमेन के सिक्स लेवल्स हैं जिन पे ये फंक्शन करता है नेक्स्ट है जो इन लेवल्स का रीअरेंजमेंट किया गया बाद में जो ब्लूम के स्टूडेंट थे एंडरसन और डेविड क्रैथहोल के द्वारा इनका इनको रीअरेंज किया गया फिर से हाई लोअर से हाईएस्ट की तरफ जिसमें सबसे पहले रिमेंबरिंग इंक्लूड किया फिर अंडरस्टैंडिंग फिर अप्लाइंग उसके बाद एनालाइजिंग फिर एवेलुएटिंग और उसके बाद क्रिएटिंग तो उन्होंने रीअरेंज किया उसको सबसे पहले ब्लूम ने वो दिए थे सिक्स और बाद में उनको रीअरेंज किया एंडरसन और डेविड कैथोल ने सो नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन हमने ये कमेटिव डोमेन किया जो कि इंटेलेक्चुअल और थिंकिंग पावर से रिलेटेड था अफेक्टिव डोमेन जैसे कि इसके नाम में ही है अफेक्ट मतलब जिससे जैसे चीज़ों से हम अफेक्ट होते हैं जिसमें हमारी फीलिंग्स इंक्लूड होती हैं द टर्म इफ़ेक्ट हैज अ लिटरेरी मीनिंग

डिवेलप एंड नर्चर डिजायरेबल पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड इंट्रस्ट फॉर हिज हर बेटर एडजस्टमेंट इन सोसाइटी तो सोसाइटी में बैटर तरीके से एडजस्ट होने के लिए इनका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है अफेक्टिव डोमेन बेसिकली एटीट्यूड और मोटिवेशन विलिंगनेस के साथ ये विलिंगनेस के साथ ये डील करता है किसी भी काम को करने की विलिंगनेस वैल्यूइंग वट इज बीग लर्नड उसकी वैल्यू पता होना तो ये सब इसमें इंक्लूड होता है और इसके जो लेवल्स हैं वो हैं फर्स्ट लेवल है रिसीविंग फिर आता है रिस्पॉन्डिंग फिर आता है वैल्यूइंग फिर ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन तो रिसीविंग में विलिंगनेस टू लर्न आप जो नॉलेज रिसीव करने की इच्छा शक्ति होती है अपनी इसमें बेसिकली सारे विलिंगनेस से रिलेटेड है नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट फिर अ विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ आइडिया नेक्स्ट आता है कैरेक्टराइजेशन तो ये सिक्स लेवल हैं अफेक्टिव डोमेन के नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन जिसमें हम कोई टेक्निकल स्किल्स में मास्टरी करते हैं या स्किल्स सीखते हैं इट इज़ कंसर्नड विद एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स इसमें बेसिकली टेक्निकल स्किल्स ही आती हैं जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करना हम सीखते हैं तो वह सब इसमें इंक्लूड होता है फाइव डिफरेंट लेवल इसके भी हैं जैसे पहले हमने कोग्नेटिव लेवल डोमेन के पढ़े फिर अफेक्टिव डोमेन के और अब साइकोमोटर डोमेन के फाइव लेवल्स ये कौन कौन से हैं इमिटेशन मतलब हम किसी को इमिटेशन करना किसी को कॉपी करना इमिटेट करना तो इमिटेशन किसी को सबसे पहले हम कॉपी करके सीखते हैं फिर मैन्यूपलेशन अपनी तरफ से कुछ मैन्यूपुलेट करते हैं उसमें प्रिसीज़न फिर हम करेक्ट करने लगते हैं चीज़ें आर्टिकुलेशन फिर उसके बाद हम नेचुरलाइजेशन मतलब ये हमारी हैबिट हो जाती है और इस वर्क में हम मास्टरी हासिल कर लेते हैं और अपनी तरफ से भी इसको हम क्रिएटिव और बना सकते हैं तो ये फाइव लेवल्स हैं लोअर लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक जाते हैं सबसे पहले इमिटेशन लो लेवल पे फिर मैनिपुलेशन प्रोसीजन आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन सो so, उसके बाद है हमारे हमने तीन पहले लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ लिए हैं उसके बाद हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं टीचिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं एक तो टीचर सेंटर्ड मेथड हो गया एक लर्नर सेंटर्ड मेथड हो गया टीचर सेंटर्ड में जिसमें सब कुछ टीचर कंट्रोल करता है बच्चों को जो भी सिखाना है टीचर ने ही डिसाइड करना है उसमें बच्चों ने सिर्फ पैसिव लिसनर बन के सुनना है लर्नर सेंटर्ड मेथड वो होते हैं जिसमें सारा फोकस लर्नर पे किया जाता है लर्नर को ध्यान में रख के सारा जो करिकुलम है वो डिज़ाइन किया जाता है सारा सिलेबस लर्नर को ध्यान में रख के होता है और लर्नर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं पार्टिसिपेट करने की तो टीचर सेंटर्ड हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड है और लर्नर सेंटर्ड हम कह सकते हैं कि मॉडर्न मेथड है सो so, ये हम तीन इनको डिवाइड कर सकते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड और मिक्स्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड में टीचर सेंटर्ड में लेक्चर आ लेक्चर में जैसे टीचर क्लास में आता है पूरा लेक्चर देता है और चला जाता है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है कि बच्चों की फीडबैक भी लें उनका रिस्पांस देखे टीचर लेकिन लेक्चर मेथड में यही होता है कि बच्चों ने सुनना होता है टीचर का लेक्चर टीम टीचिंग टीचर्स की एक टीम होती है बड़े सारे ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना होता है वन बाय वन टीचर्स हैं जो वो टीच करते रहते हैं इससे टीचिंग तो इफ़ेक्टिव होती है लेकिन स्टूडेंट्स को चांस नहीं मिलता पार्टिसिपेट करने का नेक्स्ट है टी और वीडियो प्रेजेंटेशन इसमें भी बच्चे सिर्फ़ देख के सीख सकते हैं अपनी फीडबैक नहीं दे सकते वो रिस्पॉन्स नहीं उनका पता चलता कि उनका क्या रिस्पॉन्स है उसके बाद है मिक्सड जिसमें जिसमें बच्चों को थोड़ा बहुत चांस भी मिलता है और टीचर और स्टूडेंट इनका मिक्सड ये रहता है स्मॉल ग्रुप मैथड जिनको हम कह सकते हैं ग्रुप डिस्कशन बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें वो डिस्कशन करते हैं सेमिनार्ज पैनल डिस्कशन ब्रेन स्ट्रामिंग ब्रेन स्ट्रॉनिंग ब्रेन स्ट्रॉन ब्रेन स्ट्रॉमिंग मतलब जिसमें बच्चों को बच्चों को एक टॉपिक दिया जाता है उसके ऊपर उन्होंने अपने आइडियाज़ देने होते हैं इन उनके आइडियाज़ को उसी वक्त हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते उनको बस कई बार जो है क्वांटिटी ऑफ नॉलेज चाहिए होती है हमें तो इसीलिए हम सिर्फ उनके आइडियाज़ लेते हैं तो बच्चे जो भी आइडिया मन में आता है वो देते हैं तो इसको कहते हैं ब्रेन प्रोजेक्ट मेथड ट्यूटोरियल्स केस स्टडी रोल प्ले साइमेशन और डेमोन्स्ट्रेशन जो लर्नर सेंटर्ड मेथड हैं वो हैं ट्यूटोरियल्स असाइनमेंट असाइनमेंट में जैसे बच्चे खुद सारा कुछ करते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं प्रोजेक्ट वर्क मिल के काम करना सीखते हैं केस स्टडी प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग इंटरेक्टिव वीडियो ओपन लर्निंग पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन और ह्यूरिस्टिक मेथड तो ये डिवीज़न की गई है टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड की तरफ टीचर सेंटर्ड हमारे ट्रेडिशनल हो गए और लर्नर सेंटर्ड हम इसको हम मॉडर्न कह सकते हैं नेक्स्ट टर्म है ब्लेंडेड लर्निंग तो ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कुछ एक चीज़ों का मिक्सचर है क्लासरूम टीचिंग को जब हम ई e लर्निंग के साथ कंप्यूटराइज लर्निंग के साथ मिक्स कर देते हैं ब्लेंड कर देते हैं तो बनती है हमारी ब्लेंडेड लर्निंग नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव टीचिंग तो ये टर्म है रिफ्लेक्टिव टीचिंग इसका मतलब है कि खुद को सेल्फ इवेलुएट करना रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ द मीन ऑफ लुकिंग एट वट यू डू इन द क्लास रूम थिंकिंग अबाउट वाई यू डू इट एंड थिंकिंग अबाउट इफ़ इट वर्कस तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग में हम सेल्फ इवेलुएट करते हैं और सोचते हैं कि क्लास में जो पढ़ाया वो सही है तरीकों को इम्प्रूव करते हैं ख़ुद का इवेल्यूशन करते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग में इन जनरल रिफ्लेक्शन एंड वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड वेज ऑफ सॉल्विंग इट तो ये बेसिकली एक सेल्फ एवेल्युएशन का तरीका है इट मे बी स्पेसिफिकली हेल्प इन प्री सर्विस टीचर्स इन देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट नेक्स्ट टर्म है मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स तो आजकल ये बहुत ऑनलाइन क्योंकि सारा कुछ जो है वो आईसीटी बेस्ड हो रहा है इसीलिए इनका इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है मूक एम स्टैंड फॉर मैसिव मैसिव मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एक ही मूक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओ स्टैंड फ़ॉर ओपन ओपन मतलब हर किसी के लिए ये ओपन है कोई भी रजिस्टर कर सकता है इन कोर्सेज पे नेक्स्ट है ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं ये और ये सिर्फ इंटरनेट पे अवेलेबल हैं ऑफ़लाइन नहीं है ये मोक सी है कोर्स कोर्स मतलब कॉलेजेस में जो कोर्स होते हैं उसी की तरह यहाँ पे भी कोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं मैथ ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ किए जाते हैं तो स्टूडेंट इनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये भी इनमें भी रजिस्टर कर सकते हैं नेक्स्ट है स्वयं तो स्वयं के बारे में आई होप आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा तो हम इसकी ब्रीफ़ में रिविज़न कर लेते हैं यह एडुकेशन प्रोग्राम है स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने यह किसके लिए डिज़ाइन किया था ताकि जो टीचिंग के एजुकेशन के थ्री प्रिंसिपल हैं एक्सेस एक्विटी और क्वालिटी तो एजुकेशन के थ्री प्रिंसिपल कौन से एक्सेस इक्विटी और क्वालिटी इनको अचीव करने के लिए और जो है सिस्टम है एजुकेशन का उसको इम्प्रूव करने के लिए स्वयं को लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्वयं की फुल फॉर्म आई होप आपको पता होगी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स तो स्वयं के साथ साथ स्वयं प्रभा भी लॉन्च किया गया था जिसमें थर्टी टू डी टी एच चैनल्स हैं आई होप आपने टी वी पर भी देखे होंगे फ्री डिश पर भी वो अवेलेबल हैं जो ट्वेंटी फोर सेवन जो वहाँ पर लेक्चर जो हैं फेमस जो लेक्चरर हैं उनके लेक्चर्स ट्वेंटी फ़ोर सेवन बेसिस पे आते रहते हैं वहाँ पे तो ताकि बच्चे घर पे बैठे भी फ़ायदा ले सकें उनका इसीलिए ये स्वयं प्रभा के थ्रू थर्टी डी चैनल चलाए गए हैं और ये जी सेट फिफ्टीन सेटेलाइट की मदद से ये ट्वेंटी फ़ोर सेवन टेलीकास्ट किए जाते हैं नेक्स्ट है आईसीटी बेस्ड टीचिंग आईसीटी बेस्ड टीचिंग जैसे कि इसके नाम में ही है तो इट इज़ एन अप्रोच टू फैसिलिटेट एंड एनहानस्ड लर्निंग थ्रू द थ्रू एंड बेस्ड ऑन बोथ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो इसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व है क्योंकि जो कोविड की वजह से भी बहुत सारी एजुकेशन जो है ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो चुकी है तो हर कोई हर कोई एक्सेस कर सकता है इसके बहुत सारे बेनिफिट ये हुए हैं कि कोई भी अच्छे से अच्छे कोर्स को एक्सेस कर सकता है अच्छे से अच्छे अच्छे टीचर से ऑनलाइन पढ़ सकता है घर पे बैठे बैठे ही सो आई सी टी बेस्ड लर्निंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग तो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है ये ओल्ड टर्म है आई जो है वो न्यू टर्म है तो आईसी क्या है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये सिग्निफिकेंट है बहुत से वेज में इट इनेबल ए फ्लैक्सीबल लर्निंग वेयर जस्ट इन टाइम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लर्निंग तो हम घर पे ही इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग ले सकते हैं लर्निंग एंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टिकार नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लर्निंग तो लर्निंग और लर्नर के बारे में हम अब स्टडी करेंगे लर्निंग हमें पता है कि एक वे है एक प्रोसेस है जिससे हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं न्यू स्किल्स सीखते हैं अपना बिहेवियर चेंज हैं, करते हैं एटीट्यूड्स हमारे पॉजिटिव करते हैं नॉलेज एक्वायर करते हैं तो लर्निंग को हम बहुत से वेज़ में डिफाइन कर सकते हैं द आउटकम्स ऑफ लर्निंग आर न्यू कैपेबिलिटीज़ पोजेस्ड बाय द लर्नर तो जो लर्नर है नई कैपेबिलिटीज़ पोजेस करता है ये आउटकम होती है लर्निंग की जिसमें हमारा बिहेवियर है जो वो पॉजिटिव चेंजेस की तरफ जाता है एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग इवेंट लर्निंग इवेंट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं मतलब जो हम सीखते हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट रोल अदा करते हैं फर्स्ट होता है लर्नर तो क्योंकि लर्नर ने ही सीखना है तो लर्नर का पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट है स्टिमुलस स्टिमुलस मतलब वो एलिमेंट जो लर्नर को इंट्रस्ट uh, लर्नर का इंटरेस्ट पैदा करते हैं वो एलिमेंट्स तो स्टिमुलस होना भी ज़रूरी है नेक्स्ट है द इंटरनल कंडीशन ऑफ द लर्नर लर्नर का एटीट्यूड एलिमेंट्स में काउंट होती हैं ये चीज़ें और रिस्पॉन्स लर्नर का कैसा है तो ये है एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग नेक्स्ट है मेन स्टेप जो हैं लर्निंग प्रोसेस के मेन स्टेप्स कौन कौन से हैं रिसेप्शन एक्सपेक्टेंसी सेलेक्टिव रिसेप्शन सीमेंटिक एंड कोडिंग रिस्पॉन्डिंग री एनफोर्समेंट और ये सारे जो स्टेप्स हैं ये हैं लर्निंग प्रोसेस के मेन स्टेप्स तो आप इनको ब्रीफली रीड कर लेना आई होप डिटेल में आपने इनको पहले ही स्टडी कर लिया है क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम अब बहुत कम है तो आपको अब एक ब्रीफ़ क्विक रिविज़न ही करनी है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लर्नर लर्नर्स के कितने टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स पर्सनल और सोशल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम लर्नर्स को डिवाइड कर सकते हैं नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिविटी और इम्पल्सिविटी मान लो आपने कोई क्वेश्चन पुट किया और कुछ एक स्टूडेंट होते हैं तो वो तो क्विकली उसका आंसर दे देते हैं और कुछ एक स्टूडेंट्स हैं उनको सोचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है तो इस बेसिस पे भी हम जो है लर्नर्स को डिवाइड कर सकते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट वर्सेस फ़ील्ड डिपेंडेंट फील्ड इंडिपेंडेंट जो होते हैं लर्नर वो उनको ज़्यादा वो ज़्यादा टीचर पे डिपेंड नहीं होते वो सेल्फ स्ट्रक्चर्ड होते हैं वो सेल्फ इंस्ट्रक्टेड अब ख़ुद से वो कर लेते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं वो टीचर पे ऑल द टाइम डिपेंड होते हैं क्लासरूम बेस्ड लर्निंग स्टाइल क्लासरूम पे बेस जो लर्निंग स्टाइल है वो कौन कौन से हैं विजुअल लर्नर्स जो कुछ देख के सीखते हैं ऑडिटोरी जो कुछ सुन के सीखते हैं और मोटर लर्नर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं और इनको भी हम आगे इंट्यूशिव इंडक्टिव जो जन जो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं डिडक्टिव जो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं रिफ्लेक्टिविटी और नेक्स्ट हम एडोल्सेंस और अडल्ट लर्नर्स को भी इस बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं एडोल्सेंस जो अडल्ट जो मेच्योर लर्नर भी हम इनको बोल सकते हैं नेक्स्ट है कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द लर्नर लर्नर में क्या क्या जो सीखने वाला है उसमें क्या क्या ख़ूबियाँ होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग वो एक्टिव लिसनर होना चाहिए एक्टिव लिसनिंग एम्पैथिक लिसनिंग क्रिटिकल लिसनिंग लिसनिंग्रिशिएटिव लिसनिंग तो हर तरह की लिसनिंग उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल थिंकिंग स्टाइल के भी उसका अच्छा होना चाहिए रिफ्लेक्टिव थिंकर्स होते हैं कुछ क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं और प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल थिंकर्स इसमें इंक्लूड करते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग तो एज वी हैव इन द बिगिनिंग इफेक्टिव टीचिंग और टीचिंग में डिफरेंस होता है तो इफ़ेक्टिव टीचिंग में जो टीचिंग क्वालिटीज़ और स्किल्स हैं वो मैटर करती हैं ये होना बहुत ज़रूरी अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे फिर ही एक टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग बन सकती है तो टीचिंग क्वालिटीज़ पर्सनल मतलब पर्सनल लेवल के टीच पे पर्सनल लेवल पे टीचर का एटीट्यूड कैसा है वो क्लास की तरफ क्या क्या उसमें वाम्थ है सिंपथी है कोऑपरेशन इस तरह की क्वालिटीज़ हैं या नहीं प्रोफेशनल क्वालिटीज़ टीचर में होनी चाहिए मतलब सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए क्लास को डिसिप्लिन मेंटेन करना उसको टीचर को आना चाहिए तो ये प्रोफेशनल क्वालिटीज़ हो गई फ्रॉम ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू कोर्स टीचिंग स्किल्स ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टीचर को कोर टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए मतलब वो टीचिंग स्किल्स जो हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई होती हैं स्पेसिफिक टीचिंग स्किल मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी उसकी टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए नेक्स्ट है जो कोर टीचिंग स्किल्स जो एन ने दिए हैं वो हैं राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिवज़ ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट क्रिएटिंग सेट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग द लेसन तो ये जो सारी टीचिंग स्किल्स हैं ये एन सी आर टी ने दी हैं ये काफ़ी सारी हैं आपने इनको एक बार ओवरव्यू कर लेना है इनका इनको आपने रीड कर लेना है तो ये फैक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्किल्स जो हैं वो एक टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं नेक्स्ट है इवेलुएशन इवेलुएशन का मतलब होता है मूल्यांकन मतलब कि किसी चीज़ को एंड पे जज करना उसको मार्क्स देने ग्रेड देने के इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और ये अब कहाँ पे स्टैंड करता है जैसे स्कूल्स में हमारा क्लास सेशन के एंड पे हमें रिजल्ट दिया जाता है हमें ओवरऑल इवेलुएट करके हमें बताया जाता है कि हम कितने बने में हैं तो इवेल्युएशन यही होता है तो इवेलुएशन इज़ कैरिड आउट टू डिटरमाइन वेदर टीचिंग हैज़ फैसिलिटेड लर्निंग तो इवेलुएशन किए जाते हैं ताकि पता चले कि जो टीचिंग है उसने फैसिलिटेट किया है लर्निंग को या नहीं द इंटर डिपेंडेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग इवेलुएशन इज क्लियरली सीन वैन द मेन परपज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कंसीव्ड इन द टर्म्स ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स अचीविंग अ सेट ऑफ लर्निंग आउटकम्स तो स्टूडेंट्स को लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने में मदद करते हैं और एंड पे उनका इवेलुएट करते हैं कि कौन से स्टूडेंट ने कितनी क्वालिटीज़ कितनी ये सीखी हैं उनके कोकनेटिव साइकोलॉजी और इफेक्टिव डोमेन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं तो ये इवेलुएशन के द्वारा पता चलता है करेक्टरिस्टिक्स इसकी हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं कंटीन्यूस होता है तो कंटीन्यूस मतलब जैसे साल में एग्ज़ाम होते हैं तीन बार इवेलुएट करते हैं ना तो जैसे सेप्टेंबर वाले दिसंबर वाले और मार्च वाले तो ये होता है कंटिन्यूस एवेलुएशन फंक्शन क्या है एवेलुएशन के मोटिवेशन इससे मोटिवेशन मिलती है कि मान लो सेप्टर वाले एग्ज़ाम में हमें बताया गया कि आपके मार्क्स कम आए हैं और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम नेक्स्ट जो दिसंबर में एग्जाम होंगे उनमें हम अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव करनी ही है और करेंगे भी तो इससे हम मोटिवेशन भी ले सकते हैं फीडबैक इससे फीडबैक पता चलती है कि क्या बच्चों को समझ में आया क्या नहीं समझ में आया बेटर गाइडेंस इनसे बेटर गाइडेंस मिलती है और आगे चल के वो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों ही इम्प्रूव करते हैं ताकि दोनों को बेस्ट तरीके से पता चल सके फैसिलिटेट प्लानिंग प्लानिंग में भी फैसिलिटेट करते हैं और इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन भी होता है सबमिशन ऑफ़ प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स और पेरेंट्स को भी हमारे प्रोग्रेस का पता चलता है टेक्निक्स ऑफ़ एवेलुएशन एवेलुएशन की टेक्निक कौन सी है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और क्वालिटेटिव टेक्निक्स क्वांटिटेटिव में रिटर्न एग्जाम हो गए और एग्जाम हो गए प्रैक्टिकल एग्जाम तो एग्ज़ाम सारे हो गए क्वांटिटेटिव में इसमें हमारे मार्क्स से पता चलता है मार्क्स की मदद से या ग्रेड की मदद से इवेलुएट किया जाता है नेक्स्ट है क्वालिटेटिव टेक्निक्स इसमें ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज़ होते हैं रेटिंग स्केल होता है रेटिंग स्केल पे जज किया जाता है कि क्या परफॉर्मेंस रही कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स हमारे रिपोर्ट कार्ड्स और जो भी ये दिए जाते हैं ये सब आते हैं और नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एवेलुएशन एवेलुएशन कितनी तरह के होते हैं प्लेसमेंट इवेलुएशन इसको हम एंट्री बिहेवियर भी कह सकते हैं तो ये स्टार्टिंग में होता है बिगनिंग में होता है जहाँ से टीचर पता लगाते हैं कि स्टूडेंट को बच्चे को कितनी नॉलेज है और ये इस लेवल का है भी या नहीं तो ये प्लेसमेंट एवेलन जो है वो बिगनिंग में होती है फॉर्मेटिव एवेलुएशन जो कोर्स के दौरान होती है ड्यूरिंग द कोर्स डायग्नोस्टिक एवेलुएशन जो फॉर्मेटिव एवलुएशन के साथ साथ चलती है लेकिन उससे ज़्यादा एरिया कवर करती है इसमें इस फॉर्मेटिव में सिर्फ मार्क्स वगैरह होते हैं लेकिन डायग्नोस्टिक में उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें ओवरऑल करिकुलम के बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है समेटिव एवेलुएशन जो साल के एंड पे होती है तो हम इस तरह से डिवेलप इनका जो समझ सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे बिफोर इंस्ट्रक्शंस ये दी होती है प्लेसमेंट वेल्युएशन ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनस ये होती है डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव दोनों ही ये जो सेशन के कोर्स के दौरान होती हैं और आफ्टर इंस्ट्रक्शन ये होती है समेटिव इवेलुएशन नेक्स्ट टाइप ऑफ एवेलुएशन टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एवेलुएशन टेस्ट जो होते हैं पर्पस के बेसिस पे वो कौन कौन से हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट और प्रोफिशेंसी टेस्ट नेक्स्ट है ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ एवेलुएशन टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है एवेलुएशन का एक तो होते हैं मार्क्स दे देते हैं बच्चों को एक होता है ग्रेडिंग सिस्टम और इसमें हम टाइप्स देख लेते हैं ग्रेडिंग के डायरेक्ट ग्रेडिंग देना इनडायरेक्ट ग्रेडिंग देना एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और रिलेटिव ग्रेडिंग तो आई होप आपने ये डीपली किए होंगे इसमें हम सिर्फ ओवरव्यू और इनका पॉइंट्स सिर्फ देखेंगे नेक्स्ट टर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम तो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू चूज़ कोर्सेज़ फ्रॉम प्रस्क्राइबड कोर्सेज कंप्राइजिंग कोर इफेक्टिव एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज तो जो स्किल बेस्ड कोर्सेज है स्टूडेंट्स को अपॉरचुनिटीज देता है जिसमें से स्टूडेंट्स अपनी पसंद के और अपने पैशन के हिसाब से कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में जो मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स है उसने शुरू किया है ये फॉर डेवलपिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन अ कंट्री कंट्री में न्यू एजुकेशन पॉलिसी डेवलप करने के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा और टू ब्रिंग आउट रिफॉर्म्स इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम और जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो भी कमियाँ हैं खामियाँ हैं उनको दूर करने के लिए ये लाया गया है द कॉर्स कैन बी वैल्युएटेड फॉलो द ग्रेडिंग सिस्टम तो इसमें ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो किया जाएगा मतलब ग्रेड्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को आउटलाइन इसमें किस किस तरह के कोर्सेज होंगे कोर कोर्सेज़ मतलब बेसिक नॉलेज के जो हिसाब से कोर कोर्सेज होंगे इलेक्टिव कोर्सेज होंगे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं इलेक्ट कर सकते हैं अपना कोर्स डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेज होंगे डिजिटेशन या प्रोजेक्ट्स होंगे और जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज साथ में एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज़ होंगे तो इस इतने टाइप्स के इसमें कोर्सेज़ हैं और ये बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए ताकि वो अपनी स्किल्स के हिसाब से कोर्सेज चूज़ करके उनमें मास्टरी करें नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है आजकल कंप्यूटर का लर्निंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉलमेंट हो गया तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इट ब्रिंग्स अबाउट ए ट्रांसफॉर्मेशन इन लर्निंग लर्निंग में इसने ट्रांसफॉर्मेशन लाई है पैडागोगी एंड पैडागोजी एंड करिकुला इन एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन द सेटिंग इज द बेसिस ऑफ बोथ कंप्यूटर बेस्ड एंड पेपर बेस्ड टेस्टिंग तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जैसे नाम से ये कि ये कंप्यूटर पर बेस्ड होगा ओवरऑल नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज मतलब वो फैसेलिटीज़ जो टीचर लर्निंग प्रोसेस में हमारी फैसिलिटेट करती हैं या जिनसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव होता है उनको हम कहेंगे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ द टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज इंक्लूड ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ इसमें ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ होंगी इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं बेसिकली इसके टू टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन और शो कौन कौन सी है प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज और नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज टू टाइप्स की होती हैं प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड तो हम देख लेते हैं प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड में कौन कौन सी आ गई ओपेक प्रोजेक्टर्स स्लाइड्स फिल्म स्ट्रिप्स ओवरहेड हेड प्रोजेक्टर्स एल सी पैनल पीडियोस्कोप स्लाइड प्रोजेक्टर स्लाइड कम फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर और फिल्म तो ये सारी हैं प्रोजेक्टर पे जो बेसिस पे हैं तो ये सारी प्रोजेक्टेड हैं और ये हैं नॉन प्रोजेक्टेड एड्स या फिर नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज तो इसमें सारी नॉन प्रोजेक्टेड इंक्लूड होती हैं ये आप रीड कर लेना मेन डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस सर नेक्स्ट टॉपिक इज़ जो मेन डिफरेंस करिकुलम में और सिलेबस में क्या है ये हम स्टडी करते हैं सिलेबस इज मोस्टली जैसे कि हमें पता है कि सिलेबस एक स्मॉल टर्म है और जो करिकुलम है ये एक वास्ट टर्म है सिलेबस में सिर्फ एक साल का जो कोर्स में जो टीचर ने पढ़ाना है वही इंक्लूड होगा लेकिन जो करिकुलम है इससे कहीं ज़्यादा है सिलेबस इज मोस्टली प्रिपेयर्ड बाय टीचर सिलेबस पूरा जो टीचर के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है टीचर टीचर भी कंट्रोल करता है उसके ऊपर लेकिन जो करिकुलम है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है स्कूल कॉलेज अथॉरिटी डिसाइड करती है सिलेबस इज समरी ऑफ द टॉपिक्स कवर टू बी टॉट इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिलेबस होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाना है वो सारा सिलेबस हो गया और करिकुलम लेकिन ओवरऑल पूरे साल में या पूरे कोर्स के दौरान क्या पढ़ाया जाना है ये होगा करिकुलम तो सिलेबस एक गाइड होती है स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए होता है ड्यूरेशन ऑफ सिलेबस इज फॉर ईयर सिलेबस तो एक ईयर के लिए होता है लेकिन जो करिकुलम है वो जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक चलता है करिकुलम की बेसिक अप्रोचेज़ कौन सी है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो एक सब्जेक्ट को ध्यान में रख के बनाया गया हो बिहेवियर रेस्ट करिकुलम जो बिहेवियर के डेवलपमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया हो और लर्नर सेंटर्ड करिकुलम जो लर्नर को ध्यान में रख के लर्नर को माइंड में रख के जो पूरा तैयार किया गया करिकुलम हो उसको हम कहेंगे लर्नर सेंटर्ड करिकुलम नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन एंड इट्स प्रम्पोनेंट्स जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो दिए गए हैं एजुकेशन में और उनके प्रोपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं ये एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं और इसलिए हम इनको डिस्कस करेंगे बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जिसको वार्ता एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं ये दिया है महात्मा गांधी जी ने नेक्स्ट है नो फॉर्मल लर्निंग नेचर इज़ द ओनली टीचर ये किसने कहा था रूसो ने लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर जो लर्निंग है वो नेचर में ही होती है और नेचर से ही होती है ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने किडर का कॉन्सेप्ट दिया था फ्रोबेल ने इंटेग्रल इंटीग्रल एजुकेशन सर अरबिंदो ने दी थी एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड ये कहा था ये कॉन्सेप्ट है जय कृष्ण मूर्ति जी का फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक्सपीरियंसियल लर्निंग जॉन डिवी और नाइन्थ है सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी तो ये दिया था मारिया मोंटेंसरी ने These were important concepts. I hope these are useful for you. I hope this lecture is useful for you. Give your precious feedback in comment section. Thank you. Thanks for watching.